उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शारदीय नवरात्र के नवमी के दिन प्रेस वार्ता करते हुए विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि जिनकी भूमिका नकारात्मक थी, जो प्रदेश में अराजकता के प्रतीक बने हुए थे, लूट खसोट और अराजकता का तांडव जिन लोगों ने किया हो, उनसे सकारात्मक बात की उम्मीद करना ही बेकार है। 16 बिंदुओं को लेकर सदन में लगातार 48 घंटे चर्चा होनी थी। देश के अंदर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के सुझाव थे। यूएन ने जो सुझाव दिया था उसे लेकर 1 जनवरी 2016 से पूरी दुनिया में लागू किया गया था। यूपी की विधानसभा पहली विधानसभा है जिसने इस पर चर्चा की, लेकिन दुर्भाग्य है कि जिन लोगों को विकास, पर्यावरण और विकास से कोई मतलब नहीं है, उन लोगों ने सदन से वॉकआउट किया है। मुझे लगता है कि गांधी जी और विकास का इससे बड़ा अपमान नहीं हो सकता। ये लोग अपने बेनकाब चेहरे पर पर्दा ढकने के लिए इस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, सदन में फेस करने की स्थिति में नहीं है। सरकार का एजेंडा स्पष्ट है। पीएम मोदी ने विकास का जो मॉडल पेश किया है, हम उस पर चल रहे हैं। उन योजनाओं को हमने प्रदेश में लागू किया है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, नकारात्मक भूमिका में, जिनकी भूमिका ही नकारात्मक थी, जो प्रदेश में अराजकता के प्रतीक बने रहे थे, जिन्होंने लूट खसोट और अराजकता का एक नया तांडव प्रदेश में किया हो, उन लोगों से किसी सकारात्मक बात की उम्मीद करना ही अपने आप में समाज को धोखा देने जैसा है। पूज्य बापू की 150वीं जयंती पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को लेकर के दलीय नेताओं की बैठक में जो सहमति बनी थी कि हम गरीबी को लेकर के, गरीबी की सर्वथा अंत होना चाहिए, भुखमरी का सर्वथा अंत होना चाहिए, शिक्षा की गुणवत्ता, शिक्षा सबके लिए और शिक्षा गुणवत्ता युक्त हो, उत्तम और बेहतर स्वास्थ्य की व्यवस्था हो, रोजगार की व्यवस्था हो, इन 16 गोल्स को लेकर के एक चर्चा, नॉनस्टॉप चर्चा सदन में होनी थी। 48 घंटे का पहले मैंने प्रस्ताव दिया था कि 48 घंटे तक केवल प्रदेश की उन मुद्दों को लेकर के, जिसकी प्रेरणा आदरणीय प्रधानमंत्री जी लगातार देते हैं, क्योंकि आप देख रहे होंगे विगत 5 वर्ष के दौरान प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर एक नया परिवर्तन आया है। शासन की योजनाओं का केंद्र बिंदु व्यक्ति, जाति, मत, मजहब, क्षेत्र, भाषा नहीं रहा। गांव है, गरीब है, किसान है, नौजवान है, महिलाएं हैं और समाज का प्रत्येक तबका है। देश के अंदर 2.5 करोड़ लोगों को एक एक आवास उपलब्ध करा देना, 10 करोड़ परिवारों को एक एक शौचालय उपलब्ध करा देना, 8 करोड़ परिवारों को उज्ज्वला योजना में रसोई गैस का कनेक्शन उपलब्ध करा देना, 3 करोड़ परिवारों को सौभाग्य योजना में रसोई गैस का कनेक्शन उपलब्ध करा देना, देश के अंदर 50 करोड़ लोगों को स्वास्थ्य बीमा का कवर दे देना, देश के अंदर खाद्यान्न सुरक्षा की गारंटी दे देना, देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की जो कार्रवाई है, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को ही आगे बढ़ाने की प्रक्रिया का हिस्सा रहा है। और यूएन ने भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के ही सुझाव पर पूरी दुनिया के अंदर गरीबी का, भूखमरी का सर्वथा अंत हो, इस बात को लेकर के जो सुझाव दिया था यूएन ने, उसी संकल्प को लेकर के 1 जनवरी 2016 से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को पूरी दुनिया के अंदर लागू किया था। उत्तर प्रदेश की विधानसभा पहली विधानसभा है जिसने इस मुद्दे पर चर्चा की, लेकिन दुर्भाग्य है कि जिन लोगों को गरीबी से, भुखमरी से, शिक्षा से, स्वास्थ्य से, विकास से कोई मतलब नहीं, पर्यावरण से कोई मतलब नहीं, उन लोगों ने वॉकआउट किया है। मुझे लगता है कि गांधी जी का भी और विकास का भी अपमान इससे बड़ा दूसरा नहीं हो सकता है। ये लोग अपने उन बेनकाब चेहरों से अब पर्दा ढकने के लिए इस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। सच्चाई यह है कि सदन में फेस करने की स्थिति में नहीं थे, इन्होंने वॉकआउट का सहारा लिया है। सरकार का एजेंडा स्पष्ट है। प्रधानमंत्री जी ने विगत 5 वर्ष के दौरान देश के अंदर विकास, सुशासन और विश्वास का जो एक मॉडल खड़ा किया है, वह हम सब की प्रेरणा है और हम लोगों ने भी वंश को, परिवार को, जाति, मत, मजहब को नहीं, बल्कि गरीब को, किसान को, नौजवान को, महिलाओं को केंद्र में रख करके अपनी योजनाओं को प्रदेश के अंदर प्रभावी ढंग से लागू किया है और आगे भी सरकार इसको लागू करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। धन्यवाद।